सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम दल मिशन 2019 में जुट चुके हैं और अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इन सबके बीच हरियाणा में भी यूपी की तर्ज पर महागठबंधन की अटकलें गर्म है और इन अटकलों को हवा दी है पलवल से कांग्रेस विधायक करण दलाल ने। करण दलाल का कहना है कि हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और जल्दी एक ऐसी सियासत का आगाज होगा जिससे हरियाणा में इतिहास रचा जाएगा। करण दलाल ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की बागडोर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभालेंगे जिसके आगे बीजेपी टिक नहीं पाएगी। तो कौन होगा महागठबंधन का चेहरा, महागठबंधन किसके साथ होगा? चुनाव से पहले एक ऐसा गठबंधन आपके सामने आएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी कहीं फील्ड में नजर नहीं आएगी और इनके छोटे भैया नेता बिलों में घुसते हुए नजर आएंगे जो आज सरकार पे 76 का नारा दे रहे हैं। तो आपको बता दें, ये आपने अभी सुना जिस तरह से यहां पर बयान दिया करण दलाल ने, विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और वो कह रहे हैं कि महागठबंधन होगा, उसमें कई दल होंगे, अगुवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे और उसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तो इससे अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस का महागठबंधन किसके साथ होगा। महागठबंधन यानी कई दल, लेकिन वो कई दल कौन से होंगे? इस महागठबंधन की रूपरेखा क्या रहेगी, इस महागठबंधन में कौन रहेगा, ये तमाम तरह के बड़े सवाल इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के नेता तरुण भंडारी जुड़ गए हैं। भंडारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है एमएचपी न्यूज पर। धन्यवाद वरुण जी। जी सर, ये महागठबंधन का जो जिन निकला है चुनाव से पहले और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में होगा, सभी दल इसमें, मतलब कई दल इसमें शामिल होंगे, क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, क्या कुछ माना जाए? वरुण जी, ऐसे महागठबंधन की अभी मुझे तो कोई जानकारी नहीं और ना कांग्रेस को इसकी कोई जानकारी है, परंतु मैं आपके चैनल से मैंने पहली बार सुना कि हमारे विधायक जी ने यह बताया है कि इस तरह का गठबंधन होगा, उनकी अगुवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। क्योंकि कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस का जो संविधान है, मैं उसका उसके बारे जानकारी जरूर देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गठबंधन होता है उसकी अनाउंसमेंट हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से होती है और अगर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो वो भी हमारा आला कमान करता है, हाई कमान करता है। अब मुझे ये नहीं जानकारी कि हमारे विधायक भी कोई ऐसी जानकारी दे सकते हैं या ऐसा कोई ऐलान कर सकते हैं, ये मुझे आपके चैनल के माध्यम से पहली बार पता चला। जी, लेकिन सवाल इसमें यह है कि वो विधायक भी हैं, एक वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने तो बता भी दिया कि इतने दल होंगे कि बीजेपी जो है वो टिक नहीं पाएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस पूरे महागठबंधन की कमान संभालेंगे। तो फिर ऐसे में हरियाणा में ऐसे कौन से दल हैं जिनके साथ ये महागठबंधन होगा, क्या तस्वीर होगी, क्या रूपरेखा होगी, इसके मायने क्या निकाले जाएं? वरुण जी, मैं वही बता रहा हूं कि ये आप करण सिंह दलाल जी से ही पूछ सकते हैं कि उन्होंने कौन से गठबंधन किया है और किस ढंग से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में वो गठबंधन काम करेगा। क्योंकि कांग्रेस का, मैं पदाधिकारी होने के नाते जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे पता है, इस तरह का अभी तक कोई गठबंधन की बात नहीं चली और ना ही ऐसी कोई अगुवाई वाली बात चली है। हाँ, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हमेशा भिन्न होते हैं। आप देखिए, जिन तीन स्टेट में हमारे हम चुनाव जीत के आए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हमने भारी बहुमत से वहां चुनाव विधानसभा के जीते और 5 महीने बाद लोकसभा में हमारी वहां 3 सीट आई सिर्फ, और ये दर्शाता है कि जनता लोकसभा में उनका मत और हो सकता है, विधानसभा में और मत हो सकता है। अब हरियाणा का प्रश्न अगर करेंगे, हरियाणा की सरकार
जिस ढंग से विफल हुई है, 154 जो इन्होंने संकल्प लिए थे उनमें से कोई भी वादा ये पूरा नहीं कर पाई। आज कानून व्यवस्था की हालत ये है कि हर जगह मदर डकैती फिरौती की घटनाएं हो रही हैं। जो पहला का शासन था, जो हम ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हम कहते थे कि भय का वातावरण है, उससे ज्यादा भय का वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है। कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, आज युवा सुरक्षित नहीं है, का कारोबार आप देखें किस ढंग से लगातार अपने नहीं, वो तो एक बात हो गई यहाँ पर। भंडारी साहब, मैं आ जाऊंगा उस पर भी लौटूंगा जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे रमन मलिक साहब, ये महागठबंधन का एक जिन्न निकला है आज, जिसमें ये बात हो रही है कि हरियाणा में कांग्रेस एक महागठबंधन बनाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में। विधायक है करण दलाल, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और वो बीजेपी को चारों खाने चित कर देगा महागठबंधन। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, और शायद यूपी का हाल देखने के बाद कुछ ना कुछ इन्होंने जरूर, अगर ऐसा कहा है तो उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर उन्होंने ग्रहण कर रही होगी वस्तु, जो ये उड़ते हुए ख्वाब इनके दिमाग में आए। तो ऐसा है साहब, मैं ये समझना चाहूंगा कि आप जब गठबंधन की बात करते हैं तो एक आय से अधिक संपत्ति वाला, एक नौकरियों के चक्कर में जेल में बैठने वाला, एक ब्रोकर जो CLU का दलाली करने वाला, एक और हैं जो जिनके बाहर से तार जुड़ रहे हैं, एक और हैं जिन्होंने जो बैकवर्ड कमीशन की फाइल तीन तीन चार चार साल पांच साल दबा के रखी, एक वो हैं जिनके घर से बहुत अजीब से टेप बाहर आए थे जिनके घर के। तो मैं ये समझना चाहूंगा ये कैसा गठबंधन बनेगा, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी कमी जो आप समाज में ये बोल सकें कि जी हाँ ये इनकी ये एक जिसे बोलते हैं ना अचीवमेंट है। एक व्यक्ति जिसके घर के कैसे कैसे टेप आए थे वो सामने है, दूसरी है महिला, उनके उनका क्या आया था जी, उनका ये आया था कि जी उन्होंने पांच साल छह साल बैकवर्ड कमीशन की फाइल ही दबा रखी। फिर क्या आया, एक CLU वाले महाराज हैं, एक आय से अधिक संपत्ति वाले महाराज, उसके बाद एक नौकरियों देने वाले महाराज, और एक और उसके बाद सबसे बड़ा ये कि जिसको अपने ही दादा बोलता है ये क्या है, ये देशद्रोही कुलद्रोही है। तो मैं ये समझना चाहूंगा ये जो गठबंधन की बात जो नेता कर रहे हैं, क्या उन्होंने ये सोचा है कि क्या गठबंधन बना के हरियाणा को पेश जवाब ले लूं? मैं जवाब लेता हूं भंडारी साहब। मैं रमन मलिक जी की बात, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले ये अपनी पार्टी आज जो इनकी सरकार में हमेशा प्रजातंत्र में वरुण जी क्या होता है, जो आदमी राज में होता है उसको जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। इनको आज जवाब देना चाहिए कि ये क्या जो 154 वादे इन्होंने जनता के साथ किए थे वो पूरे किए, क्या इन्होंने 7 लाख रोजगार प्रतिवर्ष दे दिया, नहीं दिया। अगर महिला सुरक्षा की बात करें, अब महिला सुरक्षा आज देखिए क्या स्थिति है आज हरियाणा की, गैंग रेप के मामले में हरियाणा पहले नंबर पे आ गया, उसके बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, कोई आदर्श गांव नहीं बना, आप देखिए CCTV कैमरे लगाने थे वो नहीं लगे, आज कानून व्यवस्था के हालात देखिए, इनका गठबंधन मुझे लगता है नशा बेचने वालों से और विरोधी मांगों वालों से भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। रोज मर्डर की घटनाएं, रोज रेप की घटनाएं हो रही है, जवाब देना चाहिए। आय से अधिक संपत्ति की बात कर रहे हैं, जब आप सरकार से जाओगे आपके भी कई घोटाले निकल के आएंगे, जो कि आप देख रहे हो कि आप लगातार मैंने बड़े संयम से सुना था वरुण जी, इनको भी कहीं बड़े सुरजेवाला साहब का कोई टेप आया था उसके बारे में कौन बताएगा सर, कहाँ चले गए, पाकिस्तानी रहती है उनका कौन बताएगा, एक चर्चा कहाँ जा रही है, में देहरादून में कोई थी उन्होंने भी कुछ बोला था वो कौन बताएगा, छह जिलों में जो आपके अधिकारी जो आपकी आपके पैसे इकट्ठे करके आप मंत्रियों को देते उसके बारे में जानकारी, आप तो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त हो,
और जब आपकी सरकार जाएगी तो अरे आप नाम बोलिए ना उन अधिकारियों का, उनकी जेल आपको पसंद करेगी। तरुण जी, तरुण जी, अरे तरुण जी, मैं आपसे हरियाणा की तरफ से दुहाई मांगते हुए बोलता हूँ, उन छह लोगों का नाम दीजिए, आप ही चैनल पे नाम दीजिए उन अधिकारियों का, बोलिए तो सही। सुनिए सुनिए, आपको गुड़गांव की आज की प्रेस की कटिंग बताता हूँ, जिसमें डीसी आप नाम बोलिए, आप नाम और उनकी करंट डेजिग्नेशन बोलिए, क्यों छुपाते हैं हरियाणा से ये बात? आप रुकिए सुनिए, रोहतक डीसी ने कहा है, सुनिए आप वरुण जी, या तो इनको इनको को सुनने का मौका रखें, करके पब्लिक तक सारी बात जानी चाहिए। भंडारी जी वो कह रहे हैं, आप नाम बता दीजिए। मैं वरुण जी अभी बता रहा हूँ, डीसी रोहतक ने उन छह लोगों ने छह अधिकारियों के नाम बताए, उन्होंने कहा नहीं जांच शुरू हो गई है, इसमें तीन अधिकारी पाए गए हैं जो चंदा इकट्ठा करके जो भारी अब जो वाहनों में भारी सामान लेके जाते थे, महीने की मंथली बंदी हुई थी, उसका स्कैंडल आज ही निकल के आया। मैं अभी रमन मलिक जी को भी व्हाट्सएप करूंगा और आपको भी व्हाट्सएप करूंगा, अगर चाहोगे तो दो मिनट रुकिए, मेरे मोबाइल में ही है वो। आज प्रेस में कटिंग लगी है, उसके ऊपर इनकी सरकार मौन है। माइनिंग घोटाला लगातार हो रहा है, इनके विधायक मंत्रियां बांधे हुए हैं, इनके मंत्री खुद माइनिंग कर रहे हैं, सारी इन्होंने माइनिंग आज पाट के रखती। नारायणगढ़ में लोग धरना, जवाब ले लेते हैं। आप बहुत संजीदा इंसान है, अब जवाब ले लेते हैं। भंडारी साहब आप बहुत संजीदा इंसान है। अच्छा भंडारी साहब जवाब ले ले, अब जवाब ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी रमन मलिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि भंडारी साहब को मैं एक बहुत संजीदा कांग्रेस का नेता मानता हूँ। वो कोई राहुल गांधी जैसे व्यक्ति नहीं है कि कुछ भी बोल दें, बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। तो मैं ये समझना चाहूँगा, अभी इन्होंने बोला छह लोगों का नाम ले सकता हूँ, छह अफसर हैं जो कि बीजेपी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मंथली देते हैं, तो आप नाम और उनकी डेजिग्नेशन दीजिए ना, और तथ्यों के साथ देना साहब, क्योंकि मैं इसको बात को लेके उन लोगों से और डीसी से भी पूछूंगा कि ये अगर चल रहा था तो आप क्यों रखे हुए थे, और अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर मेरे ऊपर मत बोलिएगा। ठीक है, अब ये भंडारी साहब मैं वापस एक बार मूल मुद्दे पर आ रहा हूँ, अगर ये आपको क्या लग रहा है, ये महागठबंधन का की तस्वीर कोई बन पाएगी क्या? हरियाणा में कोई आसार है, कोई विकल्प है, ऐसे कोई दल है जिनके साथ आप जा सकते हैं? वरुण जी राजनीति में हर चीज संभव होती है, परंतु अभी तक आज की तिथि तक मैं बताना चाहता हूँ, जहां तक कांग्रेस का पक्ष है अभी तक कोई गठबंधन नहीं हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी अगुवाई करेंगे। कांग्रेस खुद सक्षम है इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, अगर कोई गठबंधन होता भी है तो उसकी औपचारिक घोषणा होगी, आपको पता चलेगा, मीडिया के सामने आएगा, सब लोगों को पता चलेगा, उसमें सीट शेयर की बात होती है, सब चीजें होती है। अभी गठबंधन की कोई ऐसी बात नहीं है। जब करण सिंह दलाल जी हमारे विधायक है, अगर उन्होंने इस तरह की बात कही है तो उनका निजी बयान हो सकता है, ये कांग्रेस का बयान नहीं। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे इसमें एक चीज और बताइए, क्या आपको लगता है कि गठबंधन ज्यादा बेहतर रहेगा, महागठबंधन ज्यादा बेहतर रहेगा बीजेपी से लड़ने के लिए हरियाणा में? ऐसे वरुण जी, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हमेशा अलग होते हैं और उसके रिजल्ट भी अलग होते हैं। ये छह महीने में आपने भी देखा और हमने भी देखा, जनता ने भी देखा, किस ढंग से पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है और उन्हीं राज्यों में लोकसभा में उनको भारी बहुमत से लोकसभा की सीट मिलती है। तो अब लोकसभा का चुनाव तो हम हार गए, 10 की 10 सीटें हम हारे हैं, अब विधानसभा का चुनाव है। मैं पहले कह चुका हूँ इनको जवाब दे, अब जवाब बनता है मनोहर लाल खट्टर जी से, उनके मंत्रिमंडल से, उनके विधायकों से, उनके प्रवक्ताओं से, उनके पदाधिकारियों से, कि जो 154 मांगे थे, जो संकल्प इन्होंने लिए थे, वो संकल्प आज कहाँ है, उनमें से कितने धरातल पे सच हो पाए, कितने में इन्होंने काम कर दिया, वो जनता इनसे प्रश्न पूछेगी, उसी के आधार पे चुनाव होगा। और कांग्रेस खुद सक्षम है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में, और अगर कोई गठबंधन की बात आएगी भी, अगर कोई हमें लगेगा कि फायदा होता नजर आ रहा है, तो गठबंधन करेंगे, खुलेआम करेंगे, आप लोगों को बताएंगे और सारी रूपरेखा आपके सामने आएगी। ठीक है मलिक साहब, साहब देखिए ऐसा है, ये जो 154 की माला ये जप रहे थे, चाहे कांग्रेस हैं
या जेजेपी है, आईएनएलडी है या और भी कोई दल है, ये 154 की माला ये मई में भी जपी थी इन्होंने और ये अभी भी जपेंगे और हम अपना रिजल्ट लेकर जाएंगे। हरियाणा में नमो चलेगा साहब, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल नमो, और उसके सामने खड़े होने की इनकी ताकत नहीं है। अगर ये हो कि शायद ये सारे कुल मिला के भी 10 पहुंच जाए तो बहुत होगा इन सारे विपक्ष के लिए, ये कि 10 सीटें सिर्फ मात्र ले जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज आज बोलता हूं और आपके चैनल के ऊपर बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि साहब हमने तो काम करा और काम की रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड से बात भी करेंगे, जनता के साथ बात भी हो रही है, जनता के साथ संवाद भी हो रहा है। आप पहले ये बताइए कि हर समय कहीं पे भी बात होती है, आप आरोप अगर लगाते हैं तो आप उसको प्रूफ करने के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? अगर आप ये बता दें कि 4 साल में 5 साल में आप इस सरकार के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध कर पाए हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक आरोप नहीं आप सिद्ध कर पाए। हाँ ये जरूर हुआ कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप अपने षड्यंत्रों में फंसते गए, टूटते गए। आज 6 मुखी कांग्रेस है, 6 मुखी कांग्रेस कैसे लड़ेगी क्या करेगी पता नहीं। चलिए भंडारी साहब, ऐसा तो नहीं है ये जो हम बार बार सुनते हैं कि हरियाणा में बहुत सारी कांग्रेस हैं, ये सारी कांग्रेस एक साथ मिलकर ही लड़ ले तो भी एक महागठबंधन हो जाएगा? वरुण जी मैं एक चीज बात बताना चाहता हूँ, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी देखें, कांग्रेस की तरफ से आपका प्यार है, मैं मानता हूँ आप हमेशा गुप्ता जी की बात करते हैं, अच्छी बात है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में आप देखें कितने मुख्यमंत्री के चेहरे आज भी घूम रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानते। मैं चैलेंज करता हूँ मनोहर लाल खट्टर को आज भी अनिल विज मुख्यमंत्री नहीं मानते, धनखड़ जी कैप्टन अभिमन्यु और कई मंत्री मुख्यमंत्री की लाइन बताइए। मैं बताता हूँ, जब इनका नगर निगम का चुनाव हुआ ये जीते, एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है उनके नीचे सारे, आप बताइए कहाँ अलग है। चर्चा का ढंग है, मैंने आपको बड़े संयम से सुना, आपने झूठ भी बोला मैंने वो भी सुना, आप सुनिए तो सही, आप इतना क्यों घबरा रहे आपके पास उठते, आप क्यों नहीं प्रश्न सुनते प्रश्न? मैंने कौन सा झूठ बोला साहब ये तो बता दो, मुझे भी पता है, आप कम से कम प्रश्न सुने तो सही, इतनी हिम्मत तो रखे सुन ले। मैं ये बता रहा हूँ जिस दिन नगर निगम के चुनाव हुए, चुनाव में जीत हुई बिल्कुल, तो आपके चैनल से मंत्री साहब को लिया गया, उनसे पूछा गया कि इसका क्रेडिट हम मुख्यमंत्री को दे सकते हैं, तो मंत्री जी साफ इनकार करते नहीं, ये सबकी सांझी है, सांझी जीत है और इसमें सब लोग शामिल थे। सर ये तो अच्छा बयान हुआ ना फिर। सुनिए अच्छा बयान करूंगी, मैं और चीजें भी बता देता हूँ आपको, कई जगह पे इनके मंत्रिमंडल के लोग मुख्यमंत्री की शिकायतें करते हैं और खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कितनी गुटबाजी इनके बीच में आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है भंडारी साहब मैं रोक रहा हूँ, मंदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनको ले लेते हैं, जेजेपी से हैं। बिश्नोई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंदीप बिश्नोई जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी चले, आवाज नहीं जा रही है, उनके पास भी चलेंगे। रमन मलिक साहब, ये जिस तरीके से हरियाणा में हम देख रहे हैं राजनीति बिल्कुल 360 डिग्री पर घूमी हुई नजर आ रही है, बीच में खबरें ये भी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अगर उनको नेतृत्व नहीं सौंपा गया तो वो अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं, क्या ये महागठबंधन आपको लग रहा है कि वो कई दलों को लेकर करेंगे तो आपके लिए चुनौती बढ़ जाएगी, क्या कुछ संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए हैं तो ये सारे ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तो अगर ये इकट्ठे लड़े या अलायदा लड़े, इनकी मूल प्रवृत्ति हरियाणा को पता है और हमारी कार्यकुशलता भी हरियाणा को पता है, हरियाणा ने जवाब देना साहब, हरियाणा जवाब दे देगा, हमारे को इससे कोई फर्क नहीं है। यूपी के अंदर ये बोला गया था और बहुत बहुत बड़े बुद्धिजीवी भी बोल रहे थे कि 20 सीटें आएंगी, 30 सीटें आएंगी, कहीं कोई तो क्लेम कर रहा था 70 हम ले जा रहे हैं, 80 ले जा रहे हैं, तो ये सारा क्लेम करना बहुत अच्छी बात है, हर एक दल को एक अपनी बात रखने की आज़ादी है वो रख सकते हैं, लेकिन मैं तो ये बात कहूँगा कि ये जो 6 मुखा 8 मुखा दल है और उसके साथ विभाजित दल एक, उसके बाद कुछ एक स्प्लिंटर एक दो लोग, ये सारे मिलके भी क्या हरियाणा के अंदर हरियाणा को ये विश्वास दिला सकते हैं कि ये
सीएलयू का धंधा नहीं करेंगे, ये आय से अधिक संपत्ति का धंधा नहीं बनाएंगे, ये लोग नौकरियों में घोटाला नहीं करेंगे, ये सारे के सारे भंडारी जी आ रहा हूं क्लासेस को नहीं रोकेंगे, या ये इधर उधर धोखे देकर अपने आप को नहीं बढ़ेंगे। तो अगर ये विश्वास दिला पाए ऐसा गठबंधन बना के तो बहुत अच्छी बात है साहब। ठीक ठीक, स्पष्ट अच्छी राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए जनता के पास विकल्प होना चाहिए। ठीक ठीक है, मनदीप बिश्नोई साहब सुन पा रहे हैं मुझे जी? चलिए आवाज नहीं जा रही है उन तक। जी तरुण भंडारी जी, क्या कुछ कह रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे। ऐसी कौन सी चीज है इनके पास कि अगर तो इनके साथ गठबंधन हो जाए तो वो दूध की धुनी हो जाती है, और अगर इनके साथ गठबंधन टूट जाए तो वो लोग आय से अधिक संपत्ति वाले हो जाते हैं, या वो देशद्रोही हो जाते हैं, या वो चोर डाकू सब कुछ हो जाते हैं। आप देखिए बिहार में इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा और कई बातें डीएनए टेस्ट की बात भी करी, इनका डीएनए गलत है, कई कुछ बातें करी, जब उनको मिला लेते हैं तो नीतीश कुमार भी दूध के धुले हो जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने कई और गठबंधन करे, आज जिन आय की अधिक हरियाणा में भी तो किया ना सर कुलदीप बिश्नोई के साथ। सुनिए सुनिए वरुण जी, मैं वैसे मेरा हक नहीं बनता कि मैं इनेलो की तरफ से बोलूं, परंतु आय से अधिक संपत्ति अगर अभय सिंह चौटाला जी की हुई तो वो कब हुई? जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ही हुई। जब नौकरियों का घोटाला हुआ जिसके केस में आज ओम प्रकाश चौटाला जी अंदर है, तो वो किसके साथ गठबंधन था? भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। अभी यही कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर भी तंज कस रहे थे, इनका अलाइन। ठीक है जवाब ले लेता हूँ, मैं जवाब लेता हूँ सर, मैं एक मिनट जवाब ले रहा हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझ तक, मैं एक बार जवाब ले रहा हूँ। रमन मलिक साहब, जब आपका गठबंधन होता है कुलदीप बिश्नोई का ही चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ठीक रहता है, अब वो आपसे अलग हो गए हैं तो उनके ऊपर रेड हो रही है। देखिए साहब, क्या 5 साल के अंदर किसी न्यायालय ने यह बोला कि फला एजेंसी तोते की तरह काम कर रही है? किसी बड़ी प्रतिष्ठित या किसी भी जगह ये बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर को या किसी नेता को पूडल बोल दिया गया हो? यहाँ पे जो व्यवस्थाओं में एजेंसियाँ हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो दूसरी प्रवर्तन निदेशालय हैं, दूसरे हैं, ये सारे अपने हिसाब से चलते हैं जिस प्रकार से संविधान में लिखा हुआ है। ये कांग्रेस वाला राज नहीं है साहब कि जहाँ पे सीबीआई को तोता बोला जाता था, कोर्ट बोलता था, लोग नहीं कोर्ट बोलता था। तो आज जो हैं ये एजेंसियाँ फ्री हैं, कहीं पे भी कोई भी अगर कमी दिखती है उस पे तुरंत प्रभाव से एक्ट होता है। हमारा काम एजेंसियों को चलाना नहीं है, एजेंसियां अपने आप संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें कहीं भी कमी आए तो उसी टाइम उस पर एक्शन लेना सरकार का काम है, हम बस उतना काम करते हैं, बाकी वो स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए। अब आ जाइए, बात आप करते हैं आय से अधिक संपत्ति और दूसरी, और आप बोल रहे थे हमारे साथ गठबंधन था, ये तो आपको मानना पड़ेगा तरुण भंडारी जी कि कांग्रेस के अलावा अगर इस प्रदेश में कभी भी कोई विपक्ष की सरकार बनी है वो बीजेपी के बिना नहीं बनी। सब लोगों ने ये, आपने भी, दूसरों ने बोला ये, तो फिर बताइए ना क्या जी, ये एक्सपीरियंस के बिना लोग हैं, इनको पता नहीं, ये 2, 4, 6 वाले लोग हैं। आज आप जो बोल रहे हैं नौकरियों का घोटाला, आपके कारण हुई, आप मानते हो? उस समय जब हमने गलत देखा हमने वो सरकारें छोड़ी दी है साहब, तभी वो नौकरियों का घोटाला हुआ, तभी। अरे साहब हमारे कारण नहीं हुई, हमारे कारण अगर ऐसा एक भी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा साहब, हमारे कारण नहीं हुई। जो करने वाला वो जेल में है, जो डालने वाला है वो हमको इल्जाम लगा रहा है। तरुण भंडारी जी, इससे ज्यादा चुटकुला आप हरियाणा को नहीं दे सकते कि जी करने वाला को जेल में है, करने वाला तो जेल में है तरुण जी, और डालने वाला आज हमको बोल रहे कि हमने करवाया, अगर हमने करवाया तो हमको क्यों नहीं करा जेल में? ठीक है एक मिनट रोकता हूँ, एक बार एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं मनदीप बिश्नोई, अगर जुड़ पाए हैं। बिश्नोई साहब सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी सुन रहा हूँ। मनदीप बिश्नोई जी, आज करण दलाल विधायक हैं,
कांग्रेस के, उन्होंने महागठबंधन का जिक्र किया है। महागठबंधन बनेगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगा, क्या आप इससे कोई इत्तेफाक रखते हैं? आपकी पार्टी से कोई संपर्क है क्या, या फिर आपको लगता है कि ऐसे महागठबंधन की हरियाणा में भी जरूरत है? देखिए, जिस प्रकार से आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है और सारे प्रदेश की जनता ने सुना है कि पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने मीडिया के सामने बड़े स्पष्ट बात ये कही है कि जिस महागठबंधन में कांग्रेस और एनएलडी होगी, उस महागठबंधन का हिस्सा हम कतई नहीं बनेंगे। निश्चित तौर पर समान विचारधारा के लोग अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले लोग, फिर तो बचा ही कौन? देखिए, मेरी बात पूरी सुनिए, गठबंधन की बात स्टार्ट कहाँ से हुई? चौधरी रणजीत सिंह के उस बयान से। नहीं, आज करण दलाल ने, आज करण दलाल ने कहा है, आज करण दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा होंगे और गठबंधन होगा। मैं चलिए तक आपको बता दूं कि किसी भी ऐसे गठबंधन के हम हिस्सा नहीं होंगे जिसका कांग्रेस और एनएलडी जिसका हिस्सा होंगे। और जब मुख्यमंत्री का चेहरा ही करण दलाल जी ने दे दिया तो गठबंधन का तो किसी से मेरे ख्याल से सवाल भी नहीं उठेंगे, क्योंकि गठबंधन अपने आप बना रहे हैं। घर की बही काका लिखणिया, अपनी दफली अपना राग, कुछ भी करते रहे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। आज अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कोई विकल्प है तो दुष्यंत चौटाला है, जिसने हर कदम पर, हर लिहाज पर किसान कमेरे की आवाज को बुलंद किया है। आज भी वो जन चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से नैना सिंह जी महिलाओं को जा रही है, और छात्रों के जो हितों की बात है वो दिग्विजय सिंह चौटाला कर रहे हैं। संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी काम कर रहे हैं। आज के इस प्रकार के गठबंधन के हम किसी का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तरुण भंडारी जी, जहाँ कांग्रेस होगी वहाँ जेजेपी नहीं होगी, ये तो साफ हो गया। आप भी कह रहे हैं कि महागठबंधन, फिर बचा कौन? आम आदमी पार्टी बची या फिर वो राजकुमार सैनी साहब की पार्टी बची, बीएसपी बची, कैसे कैसे स्वरूप क्या आएगा उसका? वरुण जी, मैंने पहले, आपने तीन बार ये मेरे से प्रश्न पूछ लिया, मैंने इसका जवाब अब दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ ऐसी महागठबंधन के लिए कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है और हमने बिल्कुल इसको डिनाई किया है। ये करण सिंह दलाल जी का निजी बयान हो सकता है, आप उनसे पूछिए। मैंने पहले भी आपके प्रश्न का यही उत्तर दिया था और अभी भी यही उत्तर दूंगा, अगर इसके बाद भी आप पूछोगे तब भी मेरा यही। नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं सर, क्या करें, अब अगर कांग्रेस में एक राय नहीं है तो फिर सवाल तो पूछना ही पड़ता है। रमन मलिक साहब, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपका हक है और उत्तर देना मेरा हक है। जी जी, रमन मलिक जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात दोबारा बोलूंगा कि इस समय हरियाणा के अंदर चुनाव जब सर पे हैं, हम अपना रिपोर्ट कार्ड बना के ले जा रहे हैं, आप उसका उसको देखिएगा, उसको खंडन करिएगा, उसके ऊपर तथ्य लेकर आइएगा कि ये नहीं करा। लेकिन अंतगत हुआ जो जो सारा का सारा दारोमदार है, जो जो देने का मतलब है, वो वोट देना है जनता ने, एग्जामिनर जनता है, आप नहीं है। आप अपना पक्ष बोल सकते हैं, हम अपना पक्ष बोल सकते हैं, जनता जवाब देगी ना साहब। जनता के पास अधिकार है ना लोकतंत्र में कि वो अपनी अपने हिसाब की सरकार चुने जी। आज दिक्कत ये है तरुण साहब, और ये आपको शायद मुश्किल होगी हजम करते हुए, कि समाज का जो मानस होता है उसके अनुरूप सरकार चूज होती है। मानस पिछले 5 साल में बदल गया है, साफ गोई की सरकार चाहिए, बिना पक्षपात की सरकार चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए, ये आज एक बेसिक मानक बन गए। वो समय समाज ने परिवर्तित कर दिया जब आपकी विचारधारा को लोग सपोर्ट करते थे, आज ईमानदारी को लोग सपोर्ट करते हैं। इसलिए कांग्रेस को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा अगर उसको किसी भी रेलेवेंस में रहना है कहीं पे भी, तो कांग्रेस को रीइन्वेंट अपने आप को करना पड़ेगा, दोबारा अपने आप को ढूंढें और फिर राजनीति में आए। जी भंडारी जी, आज की मंशा के हिसाब से जो जनता की मंशा आज है उसको सोचते हुए दोबारा अपने आप को रीइन्वेंट करें। जी भंडारी जी, ऐसा पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आपने नौकरियों का घोटाला तो सुना होगा, जो आज में भी कोर्ट में केस है, उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी कि ढंग से 6 लाख 7 लाख 8 लाख की गोली लग रही थी, उसमें बड़ी मछलियां फंसने के डर से सरकार का जवाब क्या आता है? सरकार का जवाब कोर्ट से फटकार लगी पिछली उसकी डेट में, तो ये जवाब भी अभी सही ढंग से नहीं दे रहे। दूसरी बात, D4 की जब भर्तियां होती है, कैप्टन अभिमन्यु के गांव से 65 लोग अप्लाई करते हैं, 65 के 65 को नौकरी मिलती है। ये पक्षपात की बात है, ये पक्षपात की जो आप झूठी बातें ना करें, जनता
सामने हम भी जाएंगे, आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अपना जो रिपोर्ट कार्ड बना रहे उसमें ये जरूर लिखना कि तीन बार हरियाणा को जलाया। सर आप पेपर निकलवा सकते हो ना, गैंगरेप के मामले में कांग्रेस पार्टी रही है सरकार में, पेपर निकलवाने बहुत मुश्किल काम नहीं है, निकालिए ना, निकालिए तो सही। आपका रिपोर्ट कार्ड आप जवाब देके दिखाना, बिल्कुल लेकर जाइए, तथ्यों के साथ लेकर जाइएगा। रफाइल जैसा, रफाइल जैसे अपने मुंह पे कालक मत पुतवाइएगा, जैसे केंद्र के चुनाव में रफाइल रफाइल बोल के अपने मुंह पे कालक पुतवाई थी कांग्रेस में, वैसी कालक मत पुतवाइएगा, तथ्यों के साथ जाइएगा। अभी भी राफेल का केस चल रहा है और उसमें सजा होगी, सच्चाई आएगी सामने। आप झूठ मत बोलिए, चुनाव जीतने से केस नहीं खत्म होते, ये बात आप अपने दिमाग में रखिए रमन भाई। अरे साहब आप पूरा चुनाव लड़ लिए उसके ऊपर, आपने पूरा चुनाव लड़ा उसके ऊपर, उसके बाद मुझे कालक पुतवाई, फिर बोलते हो जी रफाइल जिंदा है, करिए साहब। आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे, आपकी जो लोगों को लड़वाने का काम करते हो उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। अरे पहले धड़ के ऊपर सर तो ले आइए, चेहरा कौन साहब, पहले धड़ जो पूछ रहे चेहरा कौन, एक अध्यक्ष तो ढूंढ लीजिए। अध्यक्ष छोड़िए आप फिक्र मत करिए, कांग्रेस पार्टी आपका जो चेहरा है वो भी जनता जानती है कौन सा चेहरा था, जो अमित शाह था, हम वैसा चेहरा नहीं। अरे प्रदेश में भी देश में भी कांग्रेस अपना मुंह तो ढूंढ ले, धड़ है सर नहीं है। हम कड़ी पार को नहीं लेके आएंगे किसी को भी, हम साफ सुथरे चेहरे को लेके आएंगे, ये विश्वास लाता हूँ। हाँ तो बिल्कुल मत लेकर आइएगा, इटली के तड़ी पार को मत लेकर आइएगा। आप ये तो बताइए कि आप बार बार अगर कोई चीज बोलते हैं तो कम से कम कानून को तो देख लीजिए कि कानून ने क्या बोला। हम कोई बार बार आपको ये बोलते हैं कि जी राहुल गांधी रेपिस्ट है? अरे नहीं नहीं भंडारे रमन मलिक साहब, रमन मलिक साहब नहीं, ये चर्चा का स्तर चला जाएगा, नहीं मैं माफी चाहता हूँ इस मंच से, नहीं सर चर्चा का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस तरह की चर्चा हो। कुल मिलाकर ठीक है, चुनाव नजदीक है, मैं तो ये पूछना चाहूंगा जब ये बोलते हैं इस प्रकार की चीज तो कम से कम कानून को तो देख लें। अगर केस राहुल गांधी के खिलाफ था और वो केस खारिज हो गया, हम तो अब उसको नहीं उठा रहे ना, लेकिन अगर आप जो केस खारिज हो गया उसके ऊपर बार बार बोलेंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। नहीं ठीक है, नहीं सर एक चर्चा का स्तर बना रहना चाहिए, आप दोनों बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और अच्छा बोलते हैं, सुलझे हुए नेता हैं आप दोनों से, मैं उम्मीद भी यही करता हूं कि क्योंकि मंच पे पूरी हरियाणा की जनता आपको इस वक्त सुन रही है। एक कंक्लूसिव रिमार्क मैं दोनों से लूंगा, सबसे पहले तरुण भंडारी साहब आप बताइए कि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि आपके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं है, क्या ये सारी आपाधापी इन सबसे चीज से आप दूर हैं, आपको डायरेक्शन निर्देश चुनाव कैसे लड़ना है उसके लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल वरुण जी, कांग्रेस बिल्कुल तैयार है और हम लगातार रणनीति बना रहे हैं और हमारा बूथ पे कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम, जो कमियां हमारी लोकसभा में रह गई थी उन सब कमियों को दूर करके हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा इन्होंने बना रखा है, ये जो झूठे वादे करके ये सरकार बनी थी, उस सारे झूठे वादों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे कि किस ढंग से इन्होंने जनता को चला, किस ढंग से हरियाणा को चलाने का काम किया, किस ढंग से भाईचारा समाप्त करने का काम किया, किस तरह से हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज रोज देखे मर्डर के केस रोज हो रहे हैं, रोज आप कानून व्यवस्था वो होगी जो भय का वातावरण पहले हरियाणा में होता था उससे ज्यादा भय का वातावरण आज की सरकारों में है। और ये कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे, ये नशे का कारोबार आज हरियाणा में पनप रहा है, लगातार बढ़ रहा है, युवा हमारा लगातार नशे की ओर बढ़ रहा है, सर संक्षेप में की ओर बढ़ रहा है, गैंगस्टर यहाँ लगातार फिरौतियां मांग रहे, हमारे प्रवक्ता को गोली मार दी जाती है और मुख्यमंत्री का बयान किस ढंग से आता है ये भी आप देखे, इस चीज से ये पता चलता है ये कितने संवेदनहीन है इस बात के लिए कि ये कैसे कंट्रोल करेंगे कानून व्यवस्था का। ठीक है सर, रमन मलिक साहब रखिए अपनी बात संक्षेप में। जी जी देखिए मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बोलूं कि आज लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए सबसे जरूरी चीज है कि एक सक्षम विपक्ष बने और ऐसा विपक्ष बने जो जनता की हित की बातें आगे उठाए, ना कि अपने आप को बचाने के लिए चीजें कुछ ना कुछ बोलता फिरता रहे। दूसरी बड़ी चीज, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस सरकार ने करके दिखाया है, साफ ट्रांसपेरेंसी ला के दिखाई है।
सारे बोलते हैं, जनता की पूरी पूरी हरियाणा की जनता बोलती है, क्योंकि रिजल्ट भी दिखेंगे। तीसरी चीज, मनोहर लाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 90 के 90 विधानसभा में एकदम निष्पक्ष होके सबके साथ बराबर व्यवहार करते हुए ईमानदारी के साथ पारदर्शिता के साथ विकास लेकर आए। ठीक है सर। चौथी चीज, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे साहब। अगर आपके पास कोई भी ऐसे साक्षात हों जो हमारे रिपोर्ट कार्ड को गलत बताते हों और आप प्रूफ कर सकें, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप उसको जाके रखें जनता की अदालत में भी और न्यायिक अदालत में भी, और ऐसे लोगों को जो जनता के साथ झूठ बोलते हैं अगर आप प्रूफ कर सके तो उन्हें राजनीति में होने का जगह ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप डरते क्यों हैं? जी ठीक है, तो आपको खुश होना चाहिए कि अगर हमने कोई काम नहीं करा फिर तो आप 90 के 90 सीटें जीत जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी चुनाव को लेकर बहुत सारे बयान सामने आने बाकी हैं। महागठबंधन फिलहाल दूर की कौड़ी लग रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को लेकर तो पहले ही कई दलों ने त्योरियां चढ़ा ली हैं, तो देखना ये होगा कि किस ऊंट ये करवट बैठेगा। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।